हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एस बी ए पी ओ प्री 2021 आज जो फोर्थ से जेन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो हो चुका है। उसी के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं क्वांट के, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। क्वांट का पेपर कंपेरेटिवली मॉडरेट आया अगर अपने लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो, अगर उससे पहले के सालों से कंपेयर करें तो मोर और लेस उसी लेवल का पेपर आया। तो हालांकि पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, जो आपके क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन में से 10 नंबर अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया है, 2 डीआई भी आए हैं, बाकी मिसलेनियस है, बट उसको थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन खूब अपने किए हुए हैं इस तरह के, एक्स स्क्वायर 256, तो एक्स की वैल्यू हुई प्लस 16 और माइनस, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं रही होगी। 17 है तो 17 के क्या 17 इंटू 1 दो ही पार्ट यही हुए, तो वाई की वैल्यू क्या आई, दोनों ही माइनस, माइनस 1 और माइनस 17। अब ये माइनस 1 जो है ये इनकी इंटरिम वैल्यू है, तो सी एन डी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई थिंक किसी से भी टाइम भी नहीं लगा होगा और गलती भी नहीं हुई होगी। अब ये नेक्स्ट देखिए, माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो एक्स की दो वैल्यू दोनों पॉजिटिव और वाई की दो वैल्यू ये भी दोनों पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए 56 है तो 7 और 8 होगी, और यहाँ 72 है तो यहाँ 8 और 9 होगी, तो एक्स क्या है, या तो छोटा है या बराबर। नेक्स्ट अगर आप देखें ये अप्रोक्सीमेशन का, तो ये भी आप देखें 75 और 40, 70 और 40 कितने होते हैं, 70 और 40 110, 112, तो आप कहाँ जाएंगे, ये करीब करीब आप मान के चलिए कि 55 के आसपास, और ये 74, तो 20 19 जो भी वहाँ ऑप्शन में रहा होगा, भाई ये 74, ये 40, 74 प्लस 40 तो क्या 115 16, उसका स्क्वायर रूट 11 11 121 होता है, तो मोर और लेस आप 11 55, और ये आपका क्या हो जाएगा 74 माइनस 55, 55 और 20 से 75 होता तो 19 18, जो भी कोई आपके पास वहां ऑप्शन रहा होगा वो आपने टिक कर दिया होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें ये है, तो इसमें आप देखें 244 है और माइनस हो रहा है 654 और प्लस है एक्स बटे 2 और 835, राइट तो 244 और 654, तो ये तो 410 माइनस का बचा, माइनस का 410 जब इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 804 1245 और उसका डबल 2490। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रही होगी। एक फिर क्वाड्रेटिक का जैसे क्वेश्चन है 4x2, तो यहाँ x की दो वैल्यू दोनों नेगेटिव, y की दो वैल्यू दोनों नेगेटिव, और 9 और 4 तो डायरेक्ट यही फैक्टर हो गए, मतलब 4 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है, और यहाँ और दोनों ही 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का एक कोफिशिएंट 4 है, तो डिवाइड की भी जरूरत नहीं है। 25 और 4 25 चौके 100, तो 4 इंटू 5 इंटू 5, तो ऐसे जो जुड़ के 20 हों तो ये क्या आएंगे भाई, या कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई, 2 × 2 और 5 × 5, हाँ सॉरी 10 और 10 हो गए ना, 10 और 10 हो गए, ओके 10 और 10 20 और 10 दवा 100, तो यहाँ आप देखोगे तो दोनों ही केसेस में x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। अब इस क्वेश्चन में देखो सीधा आपको 3/4 का स्क्वायर है तो क्या हो गया 9/16 और इंटू 128, अगर मैं इसको मानूँ प्लस 44 तो 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 8 × 9 = 72, 72 और 44 72 और 44 कितना हो गया 70 और 40 110 और 6 116, इसके आसपास जो भी कोई आंसर रहा होगा वो आपने टिक कर दिया। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, जैसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपके डीआई वगैरह जो मिलेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।